नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोबित बिजनेस वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाया करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी एक अच्छी सी नई वीडियो लाए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्रैक्स टोमेटो चिप्स के बारे में। क्या क्रैक्स की टोमेटो चिप्स के बारे में? तो दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन पर क्रैक्स टोमेटो चिप्स दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन पे क्रैक्स टोमेटो चिप्स की ये पूरी लग दोस्तों उठा लिए। दोस्तों ये क्रैक्स का प्रोडक्ट है। दोस्तों, कोई भी ब्रांड होता है उसकी पहचान उसकी कंपनी से होती है। दोस्तों, ये DFM फूड प्रोडक्ट की तरफ से बनाया जाता है। और दोस्तों, ये काशीपुर उत्तराखंड से मैन्युफैक्चर होकर आया है। कहाँ से? काशीपुर उत्तराखंड से मैन्युफैक्चर होकर आया है। अब दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस लर में कुल कितने पीस हैं। दोस्तों, तो लर में पूरे 12 पीस हैं, लेकिन फिर भी हम गिनेंगे। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों, इस लर में कुल 12 पीस हैं। दोस्तों ये टमाटो फ्लेवर का क्रैक्स का चिप्स दोस्तों बहुत बिकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो आप तो जानते ही हैं कि ये 5 रुपये का एक बिकता है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे 5 रुपये का एक पीता है, 12 पीस है, तो 12×5=60 रुपये का इसका रिटेल में तैयारी हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके होलसेल की। तो दोस्तों, यह होलसेल में अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इसको आपको 53 से 52 रुपये में मिल जाएगा। कितने का? 53 से 52 रुपये में आपको ये मिलेगा। अब दोस्तों, 53 से 52 रुपये का मिलेगा तो 12×5=60, यानी दुकानदार को इसमें 7 से 8 रुपये मुनाफा होता है। लेकिन दोस्तों, 52 इसका सही रेट है, 53 कुछ लोगों जैसे कम कुछ लोगों को मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है तो वो 53 में बेचते हैं। अब दोस्तों, वो बात करते हैं कि कोई भी ब्रांड होता है तो उसकी एक्सपायरी भी हम ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि कोई चीज़ खाने वाली है, एक्सपायर हो गया, हमने खा लिया। तो दोस्तों, इसकी 4 महीने की एक्सपायरी होती है। कितने? 4 महीने की एक्सपायरी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप फिर से समझेंगे, ये DFM फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। ये काशीपुर उत्तराखंड से बन के आया है। और इसके इसके एक पैकेट में 14 ग्राम माल होता है। कितना माल होता है? एक पैकेट में 14 ग्राम माल होगा, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। और इसकी एक्सपायरी होती है 4 महीना, ठीक है। 52 से 53 रुपये में होलसेल में ये आपको मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये गत्ते में कितने पड़ता है। दोस्तों, मैं गत्ता अपनी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इस तरीके का सिस्टम नहीं है। लेकिन दोस्तों, गत्ते में समझ लीजिएगा कि ये 750 रुपये का इसका गत्ता आता है। और दोस्तों, 15 लर होती है, ऐसे ही 15 लर होती हैं, ठीक है। 15 लर तो 750 को 15 से भाग करेंगे तो ये 50 रुपये में आपको पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।